हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात किया था कि किस तरह से हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड यूज कर सकते हैं और यहाँ पर एपर्चर का क्या रोल है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार चेक कर ले, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर जाके एक बार देख लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी में या सिनेमाटोग्राफी। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एपर्चर का यूज सिर्फ एक्सपोजर को ठीक करने के लिए नहीं होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड में भी एपर्चर का यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में ठीक उसी तरह हम लोग बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में, क्योंकि शटर स्पीड का भी सिर्फ काम ये नहीं कि वो एक्सपोजर ठीक करे, शटर स्पीड का भी और भी काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि शटर स्पीड का यूज सिर्फ एक्सपोजर को ठीक करना नहीं होता है, बल्कि उसमें और दो यूजफुल काम होता है, हायर शटर स्पीड एंड लोअर शटर स्पीड। तो हायर शटर स्पीड हम लोग कहाँ यूज करें या लोअर शटर स्पीड हम लोग कहाँ यूज करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो। मान लीजिए आप अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हो या स्ट्रीट में किसी भी मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज करना चाहते हो, तब आपको हायर शटर स्पीड ही यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर किसी भी गाड़ी को शूट करना चाहते हो मूविंग टाइम में, तब अगर आप स्लो शटर स्पीड रखते हो, एग्जांपल की तरह मैं पकड़ लेता हूँ, चलिए 13, ठीक है ना, शटर स्पीड आपने रखा 13, लेकिन गाड़ी का स्पीड उससे ज्यादा है, तो आपका जब शटर क्लिक होगा तब वो ओपन एंड ऑफ होते होते वो मूविंग सब्जेक्ट, वो मूविंग कार पास हो जाएगा, निकल के चला जाएगा, तो आप उस टाइम उस सब्जेक्ट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी मूविंग सब्जेक्ट को आपको फ्रीज करना है, तब आपको शटर स्पीड हायर रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको शटर स्पीड लगभग 1000 या 2000 के करीब लेके जाना है, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर फुटबॉल स्पोर्ट्स को कवर करने जाते हो, तब आपका हायर शटर स्पीड रखना जरूरी है, क्योंकि फुटबॉल में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो परफेक्ट मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको हायर शटर स्पीड बहुत जरूरी है, नहीं तो उस मूवमेंट में मोशन आ जाएगा और वो फोटो देखने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह क्रिकेट में, हॉकी में या लॉन्ग टेनिस में, ये सब स्पोर्ट्स में आपको हायर शटर स्पीड ही रखना पड़ेगा। मोटा मोटी इतना है कि आप जब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने जा रहे हो, तब आपको हायर शटर स्पीड ही यूज करना है, ताकि जो भी सब्जेक्ट का मूवमेंट हो उसे आप फ्रीज कर सके। ठीक उसी तरह अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको हायर शटर स्पीड ही रखना पड़ेगा, या रोड में किसी भी मूविंग सब्जेक्ट को आप फ्रीज करना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको हायर शटर स्पीड रखना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट का मूविंग के ऊपर कि उसका स्पीड कितना है। एक नॉर्मल अगर आप अगर कैंडी शॉट लेते हो किसी भी इंसान का, ठीक है ना, तो उसका मोटा मोटी एक रेशियो रहता है 250, 300 या 400 तक, क्योंकि उसका जो इमोशन होता है, चाहे वो हंस रहा हो या रो रहा हो या थोड़ा बहुत वो हाथ पर हिला रहा है, तो 250 टू 300 या 400 के शटर स्पीड में आप अगर रखते हो, तो उसमें उसका अच्छा डिटेल निकल के आता है, उसमें कोई मोशन देखने को नहीं मिलता है या ब्लरी सब्जेक्ट नहीं लगता है। तो बस मोटा मोटी इतना याद रखें, कोई भी मूविंग सब्जेक्ट को आप अगर शूट करना चाहते हो और उसे फ्रीज करना चाहते हो, तो आपको हायर शटर स्पीड का यूज करना है। अब आते हैं स्लोअर शटर स्पीड। तो स्लोअर शटर स्पीड हम लोग क्यों यूज करें? एक तो स्लोअर शटर स्पीड यूज करें इसलिए क्योंकि जहां पर लाइट कम है तो वहां पर लाइट ज्यादा आए, इसलिए हम लोग स्लो शटर स्पीड यूज कर सकते हैं। ये तो हम लोग ने जो बेसिक फोटोग्राफी कोर्स में जो हम लोग सेकेंड वीडियो था उसमें हम लोग सीखा ही है। अब आता है कि स्लो शटर स्पीड करने से और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने फोटोग्राफी। जो भी चीज को आप मोशन में दिखाना चाहते हो, उसको आप स्लो शटर स्पीड में ही दिखा सकते हो। मान लीजिए आप अगर कोई वाटरफॉल का फोटो शूट करना चाहते हो और वहां पर आपका जो वाटरफॉल हो रहा है उसका मोशन को दिखाना चाहते हो, तब आपको स्लो शटर स्पीड यूज करना है। वहां पर एक अलग इमेज निकल के आता है अगर आप वहां पर स्लो शटर स्पीड यूज करते हो तो। और एक एग्जांपल देता हूँ क्रिएटिव शूट के लिए। आप पोर्ट्रेट शूट कर लो, ठीक है, आपका जो मॉडल है वो रोड पे खड़ा है और आप चाहते हो कि आपका जो और भी अदर जो लोग है या गाड़ी है या कोई भी चीज जो मूव कर रहा है उसको मोशन में लाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्लो शटर स्पीड में ही शूट करना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि आपका जो मॉडल है वो स्थिर है, वो स्टिल वहीं पे खड़ा है, वो नहीं हिल रहा है। वो अगर हिलेगा तो फोटो खराब हो जाएगा, वो एक जगह खड़ा रहेगा और बाकी जो भी चीज वहां पे बाजार में या रोड पे कहीं पे भी
वो मूव कर रहे हैं तो उसमें मोशन आ जाएगा, तो उसमें जो एक अलग लेवल का क्रिएटिविटी निकल के आएगा। तो इस तरह का स्लो शटर स्पीड को यूज करके आप बहुत सारे क्रिएटिव शूट कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया है कि स्लो शटर स्पीड कहाँ यूज करना है और हाई शटर स्पीड कहाँ यूज करना है। दो वर्ड में अगर कहूं तो इतना याद रखना, हायर शटर स्पीड किसी भी सब्जेक्ट को फ्रीज करता है और स्लो शटर स्पीड किसी भी सब्जेक्ट को मोशन में कैप्चर करता है। बस इतना अगर आप याद रख लिए, इतना अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, तो मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। अब बस प्रैक्टिस का जरूरत है, कैमरा उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहो तो मोबाइल से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना जो फोटोग्राफी सीखने में इच्छुक हो। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।